अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है हमारे इस YouTube चैनल में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसा वजीफा जिसे करने के बाद आपका प्यार आपको इतने कॉल और मैसेज करने लग जाएगा कि आपको सोचना पड़ेगा कि आपने वजीफा क्यों किया। जी हाँ, इस वजीफे को करने से आपकी मोहब्बत आपसे बेइंतहा प्यार करने लग जाएगी। वो आपको इतने कॉल्स करेंगी, इतने मैसेजेस करेंगी कि आप खुद सोच में पड़ जाएंगे कि उनकी कॉल्स रिसीव करें या ना करें। तो आइए देखते हैं कि क्या है इसको करने का तरीका, इस वजीफे को आप किस तरह से करें कि आपका काम भी बन जाए और आपको कोई भी किसी भी तरह की समस्या ना हो जिंदगी में। तो ये वजीफा करने के लिए सबसे पहले आपको एक छोटा कागज लेना होगा। आपको उस कागज पर लिखना होगा अपनी मोहब्बत का नाम। तो आप इसे इस तरह से यहाँ पर भी लिख सकते हैं, मैंने लिखा है अफशा, और उसके बाद एक प्लस का साइन बनाना है आपको, और उसके नीचे आपको लिख देना है अपना नाम। तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ अरमान, नीचे आपको लिख देना है अपनी माँ का नाम, और सबसे नीचे आपको लिखनी है ये दुआ है या अल्लाहू, इस तरह से आपको लिख लेना है। उसके बाद आपको इतने बड़े कागज़ की ज़रूरत नहीं है, आपको इसे और छोटा कर देना है। तो आप इसे नीचे से फाड़ दीजिए, इस तरह से आप इसे फाड़ दीजिए, और उसके बाद आपको इसे छोटा कर देना है और भी ज़्यादा। तो इसे जितना छोटा हो सके फोल्ड कर दें, और उसके बाद आपको 1000 मरतबा बोलना है या अल्लाहू, और उसके बाद आपको अपने सीने पर हाथ रखना है और अपने महबूब का नाम लेना है। जैसे कि मैंने इस कागज़ पे अफशा लिखा था, तो अफशा बोलना है करीब 300 बार, और सीने पर हाथ रख के इसके ऊपर फिर फूंकना है, और उसके बाद इसे एक छोटे बर्तन में रख के आपको जलाना है। जी हाँ, इस को जलाने का तरीका आप सिंपल है, आप अपने घर में खिड़की के पास या फिर घर के बाहर जाकर भी इसे जला सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जब आप इसे जला रहे होंगे तो कोई आपके आसपास ना हो, कोई आपको पूछे नहीं कि ये क्या कर रहे हो, बस आपको इस बात का ध्यान ज़रूर रखना है। और इस कागज़ को आपको जला देना है, पूरी तरह से इसकी राख बना देनी है, और इस बात का ज़रूर ध्यान रखना है कि इसे आपको बचाना नहीं है, मतलब ये जल जाना चाहिए अच्छे तरीके से, इस बात का आपको ध्यान रखना है दोस्तों। और उसके बाद आपको इसकी जो राख बन जाएगी, तब आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जब राख बन जाए तो आपको इसकी राख उठानी है, और उसके बाद आपको घर के पास में कोई भी ऐसी जगह जाना है जहाँ पर कि पानी हो, उस जगह पर जाकर आपको इसकी राख को फेंक देना है, और उसके बाद घर वापस आ जाना है। और घर वापस आके आप सिर्फ कुछ घंटों के अंदर अंदर ही देखेंगे कि आपकी जो मोहब्बत है वो आपसे मिलने के लिए तड़प उठेगी, उनके आपके पास इतने सारे कॉल्स आने लग जाएंगे, मैसेजेस आने लग जाएंगे। देखिए, आप देख सकते हैं मैंने इसको पूरा जला दिया, लेकिन थोड़ा सा अभी भी बचा हुआ है। आपको दिखाने के लिए मैं इसको जला रही थी, लेकिन आप इसे पूरी तरह से जला दीजिएगा, और उसके बाद आपको इसकी जो राख है इसे बहते हुए पानी में डाल देना है। इस तरह से आपका काम पूरा हो जाएगा, और आपको ये जो अमल हमने अभी बताया है ये पूरी तरह से असर करता है। इससे आपकी मोहब्बत आपके करीब आ जाएगी, आपको बार बार कॉल करेगी, मैसेज करेगी, आपका महबूब आपकी ज़िंदगी में वापस आ जाएगा। इस अमल को आप कीजिए। आपका अगर कोई सवाल है, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं, तो आप हमें कॉल करके पूछ सकते हैं। हमारा नंबर आपको वीडियो की स्क्रीन पर दिख जाएगा, उस नंबर पर कॉल करके आप हमसे बात कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ध्यान रखिएगा दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।